Hey guys, I am Neeraj and welcome back to my channel. तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है मेरे रेगुलर वीडियो से, और हो सकता है ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ टाइम लैप्स टाइप का नहीं चलेगा. इट विल बी अ प्रॉपर वीडियो वेयर आई विल बी रिकॉर्डिंग माई सेल्फ वाइल ड्राॅइंग स्टेप बाई स्टेप. तो यू कैन फॉलो अलॉन्ग विद दिस ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग. या यू कैन, but otherwise I think you can skip this video if you do not want to watch the whole 24 minutes of process. So in this I'm using both like watercolor and gouache colors. तो ये जो डब्बे हैं इसमें मैंने watercolor नहीं रखे हैं, इसमें gouache colors हैं, क्योंकि वो जो ट्यूब से निकालने में और ये सब ना काफ़ी वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसे रख दिए क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ था मेरे पास डब्बे काफ़ी टाइम से. और मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने वाटर कलर बाकी सारे कलर पैलेट्स के लिए, और उसमें भी स्पेशली मुझे कुछ कलर्स पसंद हैं जो आपको दिख रहे होंगे इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जो कि है पिंक, पर्पल, रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड येलो ऑफ कोर्स. सो ये कलर्स काफ़ी मेरे फेवरेट कहूँगा मैं. एज यूजुअल पेंट करने के लिए मैं लेयरिंग मेथड ही यूज़ कर रहा हूँ इसमें भी, और वो रहेगा वेट ऑन वेट. तो पेंट के सूखने से पहले ही मैं उसके सेकंड लेयर को स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज आई डू नॉट वांट एनी शार्प एजेस इन माय फेस एरिया. सो टू स्टार्ट विद कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर रेड चूज़ किया, तो उसे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया, देन उसके बाद एक वॉश दे दिया जो भी एरियाज मेरे स्किन वाले थे, जैसे फेस का एरिया, कान का एरिया, हल्का बैक में नेक वाला जो एरिया है उसमें, तो एक लाइट वॉश कर दिया ताकि ठीक है एक बेस लेयर हो गई जिसके ऊपर मैं सारे अपने लेयर्स को स्टार्ट करूँगा. देन मैंने वही कलर को उठाया जो कि हल्का सा रेड था, सो थोड़ा सा डार्क और किया मैंने. देन उसकी सेकेंड लेयर करी जहाँ जहाँ पर मुझे डार्कर एरियाज थे उन पर किया. देन उसके बाद आपने देखा है कि मैंने हल्का सा येलो कलर लिया और उसे रेड के साथ मिक्स किया, थोड़ा डाइल्यूट किया. आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्लेंड ऑल द लेयर्स दैट आई हैव क्रिएटेड टिल नाउ, सो वो सब मैंने कर लिया. देन उसके बाद मैंने हल्का सा ब्राउन कलर लिया यहाँ पे, जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ और डार्कर एरियाज में. जैसे ऑब्वियस सी बात है, लाइट अगर सामने से आ रही है तो द बैक ऑफ द नेक दैट विल बी अ मोर डार्कर एरिया, एंड ईयर्स के अंदर का जो एरिया होता है दैट इज़ डार्कर. सो शेडोज़ का काफ़ी ध्यान रखना है इसमें ये करते टाइम. जो भी डार्क एरियाज आपको लग रहे हैं कि लाइट जहाँ कम है, सो यू शुड मेक देम डार्क. एंड वन थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल पेंटिंग इज डू नॉट रश. यू नो वंस यू स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स यू नो गेटिंग इट डन, नहीं हो पाएगा. मेरे से तो नहीं हो पाता है, मतलब ख़राब ही हो जाता है वो, कुछ ना कुछ हो गया. तो एकदम आराम आराम से करना है पेंट को, है ना, देख देख के कि हाँ ठीक है ये एरिया लग रहा है, ठीक है थोड़ा सा और डार्क चाहिए, तो हाँ यू ऐड सम डार्क कलर टू दैट एरिया, बट जल्दीबाजी नहीं करनी, तो पेशेंस इज रिक्वायर्ड हियर. अब जैसा मैं पहले कह रहा था, एकदम डार्क कलर ऐड नहीं करना है जो मैंने यहाँ पे कर दिया. तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, जो इसके जस्ट यू नो कलर है, या फिर नॉर्मल वाटर से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वाटर से ना करने का सोच के थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया और बस उसको हल्का सा ब्लेंड कर दिया ये वाले एरिया में. तो उससे क्या हुआ कि जो भी ब्लैक मैंने लिया हुआ था वो थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट होके ब्लेंड हो गया. तो उससे अभी क्योंकि ये वेट पेंट है तो वे कैन मेक करेक्शंस ईजीली, बट एक बार ये सूख गया तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें.
जैसे ही मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स ऐड किए, देखो बहुत शार्प एजेस आ गए हैं। तो इनको कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर मेरी थी वो बहुत ज़्यादा लाइट थी, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, एक वॉश और दे सकता हूँ इसको, मस्त सा ब्राउन कलर का। अब बारी है लास्ट के हाईलाइट्स ऐड करने की, तो मैंने यहाँ पे येलो वाला वॉश कलर यूज़ किया और इससे बढ़िया से सारे हाईलाइट कर दिए। तो क्योंकि मुझे बिल्कुल वाइट ऐसे लाइट नहीं चाहिए, मुझे हल्का येलो सा चाहिए था। अब बारी है बालों की, और इन्हें कलर करने से पहले मैंने थोड़ा सा धो लिया। अब क्योंकि बाल अच्छे से धुल गए हैं, तो चलो इन्हें कलर करते हैं। मैं बालों को थोड़ा सा ऑरेंज शेड में रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि नानी रेड कलर की डाई लगाती है और वो फिर फेड होते होते ऑरेंज हो जाते हैं। एक्चुअली वो गोल्डन भी हो जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा इसमें मैं येलो वाला पार्ट भी रखने वाला हूँ हाईलाइट्स के लिए, देन थोड़े बहुत वाइट वाले पार्ट जो पीछे साइड रह जाते हैं वो करने वाला हूँ।
तो जो डिटेलिंग वाला काम था वो तो सारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ के बाद मैं सब कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सा रखने वाला हूँ, कुछ मुझे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, क्योंकि जो लुक था वो फेस से आना था और थोड़ा बालों से आना था, तो वो हो गया। अब ये सब कुछ मैं थोड़ा रैंडम सा रखूँगा इसमें। तो यहाँ के बाद आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं जो मैंने दिखाई इधर, जो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने जो स्केच किया था आउटलाइन, वो तो अच्छे से पेंट हो गया है। अब जो है वो बैकग्राउंड वाला पार्ट है, वो मुझे खाली खाली से अच्छा नहीं लग रहा, तो उसमें ऐसे ही रैंडम से कोई कलर लेके कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा सा लग रहा है, तो ऐसे ये पर्पल ही मुझे ज़्यादातर पसंद आ जाता है, पर्पल और इसमें हल्का येलो एंड कहीं कहीं पर मैं ब्लू और रेड वाला भी यूज़ करता हूँ जो मैंने अपने एक स्केच में किया था। तो हाँ, ये रैंडम से ऐसे बैकग्राउंड रखो तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लुक आता है यहाँ पर, ऐसा मुझे लगता है। पर आता है नहीं आता है वो तो आप लोग बताओगे मुझे अच्छा लगता है मतलब। इस एरिया में थोड़ा सा ब्लू और ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि स्वेटर जो है वो ब्लू कलर का था, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर थोड़ा सा ब्लू शेड भी आ जाए बैकग्राउंड में। आगे साइड नहीं करना था, वो ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने उसे डाइल्यूट कर दिया, तो क्योंकि वो बिल्कुल पतला सा लग रहा था वहाँ पर। हाँ, पीछे इट लुक्स बेटर आई थिंक, सो या। ये जो स्वेटर है ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है मुझे, तो इसको मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ। अब ये ज़्यादा अच्छा है। अब ये थोड़ा सा एरिया जो शार्प एजेस आ रहे हैं उनको ब्लेंड कर लो और पानी मार दो उस पर पानी फेर दो इस पर, जहाँ पे भी शार्प एजेस हैं पानी फेर दो उस पर।
तो ये बैकग्राउंड करते करते मैं थोड़ा ज़्यादा ही भावुक हो गया और मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया यहाँ पे कि भाई मेरे को समझाना पड़ा खुद को कि रुक जा अब नहीं। वो पीला ऐड किए जा रहा हूँ, कभी कुछ ऐड किए जा रहा हूँ, किए ही जा रहा था बस। तो मैंने कहा ओके दैट्स इट, अभी थोड़ा शांत। तो थोड़ा और किया मैंने, उसके बाद मैं शांत हो गया। मैंने कहा नहीं अब नहीं करूँगा, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो गुआश कलर्स का एक फ़ायदा ये होता है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं जैसे वाटर कलर होता है, तो वी कैन जस्ट पेंट ओवर इट, है ना। जैसे अगर मुझे वाइट कलर करना है किसी और कलर के ऊपर, तो देन आई कैन ईजिली डू इट। जैसे मैं यहाँ पे हेयर्स के लिए कर रहा हूँ, इसके नीचे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कलर किया हुआ है, बट आई कैन स्टिल मेक हेयर्स यू नो वाइट हेयर। सो दैट इज़ द मेन रीज़न आई रियली लाइक गुआश कलर्स, बिकॉज यू नो वी कैन पेंट ओवर एनी layers and we can make corrections. तो अब मैंने ये बैकग्राउंड तो कर दिया ना, लेकिन इस बैकग्राउंड के साथ मुझे लग रहा है कि जो बाल वाले एरिया है वो मतलब बहुत उसमें ही मिक्स सा हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको थोड़ा और डार्क करूँगा ताकि मतलब लगे हाँ ये जो पोर्ट्रेट मैंने बनाया वो ऐसे उभर के बाहर को आए और पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा सप्रेस हो जाए। Yeah, now it looks much better. तो इसमें थोड़े से सफ़ेद बाल और थोड़े काले बाल, क्योंकि सारे सफ़ेद तो नहीं है ना नानी के बाल, कुछ काले बाल भी रह जाते हैं। तो थोड़े से काले बाल ऐड करूँगा। मैंने एक्चुअल पूरे डार्क एकदम ब्लैक नहीं किया, मैंने उसमें थोड़ा सा देखो पर्पल का शेड लिया है, पर्पल ब्लैक एंड देन थोड़ा सा रेड भी लिया है उसमें, हल्का येलो भी उसमें पहले से मिक्स था वहाँ पर शायद। हाँ।
तो इस पॉइंट पर मुझे लगा कि हाँ अब ये कंप्लीट हो चुका है, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा चलो साइन मार देते हैं, डेट लिख देते हैं। और फिर मेरे ऑफिस का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आधा घंटा बहुत है। तो जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता गया, मैंने इसको कर लिया था कंप्लीट, साइड रख दिया था, मैं अपना काम कर रहा था, तो मैं देख रहा था उसे। तो देखते देखते मुझे लगा कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो मैंने अपना वाइट जेल पेन लिया और थोड़े से वाइट हाइलाइट्स जो आपको दिख रहे हैं वो ऐड किए। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।